हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से और एक न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme C30 के टॉप 5 क्रेजीएस्ट फीचर बताऊंगा। देखिए, ये एक बजट मोबाइल फ़ोन है जो आपको 7500 रुपीस से स्टार्ट होता है, बट फीचर्स बहुत ही अच्छे इस फोन में दिए गए। तो चलिए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। फर्स्ट फीचर आता है वीडियो डिस्प्ले इन्हेंसमेंट। ये एक बजट मोबाइल फ़ोन है, बट ये फीचर इस फ़ोन में बहुत ही अच्छा दिया गया है, जिसे आप यूज़ करके जो क्वालिटी है वीडियो की उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आप जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा एंड आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, एंड जितने भी मैं आपको टॉप 5 फीचर्स बताऊँगा इस फ़ोन के, ये सारे सेटिंग में होंगे। जैसे आप सेटिंग पे आओगे तो डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले इन्हेंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। ये ऑफ होगा, एंड जैसे मैं इसे इनेबल करूँगा यहाँ पे आपको ब्राइटनेस भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे मैं इसे इनेबल करता हूँ एंड आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते, तो कुछ इस तरह से वीडियो क्वालिटी में भी ये आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। एंड नीचे सपोर्टेड ऐप्स है जहाँ पे यूट्यूब, ऑडियो और बहुत सारे हैं। ये नॉर्मल है, जब आप ऐप्स को इंस्टॉल करोगे तो जो भी ऐप्स सपोर्टेड होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें जो क्वालिटी और कलर्स है वो बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में सेकेंड फीचर आपको मिलता है स्मार्ट मोशंस, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक स्मार्ट कॉल्स एंड स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो प्ले, जिसे आप यूज़ करके बहुत इजीली काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं। स्मार्ट मोशंस फीचर के लिए आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, स्मार्ट कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा, टैप कर लीजिए। फिर थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा आपको स्मार्ट मोशन का, इस पर भी आप यहाँ पर टैप कर लीजिए। इसे यूज़ करने के लिए जस्ट आपको इसे इनेबल करना होगा। एंड स्मार्ट कॉल में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इजी आंसर, इजी बेल एंड म्यूट इनकमिंग कॉल्स। नीचे लिखा भी है कि कैसे काम करता है, तो यहाँ पे देखिए पिकअप द डिवाइस एंड क्लोज टू योर ईयर टू आंसर इनकमिंग कॉल्स। जब आप फोन को कान के नजदीक कर लोगे तो वो इजीली आंसर कर लेगा, उससे पहले आपको इसे इनेबल करना होगा। इजी बेल का भी ऑप्शन है, उसी के नीचे म्यूट इनकमिंग कॉल्स, जिसमें लिखा है कि फ्लिप द डिवाइस टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। जब आप फोन को फ्लिप करोगे जो इनकमिंग कॉल होगा वो म्यूट हो जाएगा। आपको इन तीनों में से अगर यूज करना है तो जस्ट आप इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। नीचे स्मार्ट ऑडियो एंड वीडियो प्ले के ऑप्शन में आपको प्ले कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिसमें व्हेन म्यूजिक और वीडियो इज प्लेइंग फ्लिप डिवाइस टू पॉज एंड फ्लिप अगेन टू रिज्यूम। तो यहाँ पे इसे इनेबल कर लीजिए। जब आप कोई म्यूजिक या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, जब आप मोबाइल फोन को इसे फ्लिप करोगे तो पॉज हो जाएगा, एंड रिज्यूम करने के लिए भी आपको जैसे इसे फ्लिप करना हो। तो ये क्विक है, जहाँ पे आप इजीली सभी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। थर्ड फीचर आता है डार्क थीम। जी हाँ, Realme C30 में आपको डार्क थीम का ऑप्शन भी मिल जाता है। जब आप डार्क थीम को अप्लाई करते हो फोन में, जो स्टेटस बार है, होम स्क्रीन एंड सेटिंग, सभी आइकॉन्स बहुत ही अच्छे आपको फोन में दिखाई देते हैं। तो चलिए ऑप्शन ये भी मैं दिखा देता हूँ। डार्क थीम के लिए आपको फर्स्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे आओगे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। यहीं पर शो करेगा डार्क थीम। अगर आपको इसे इनेबल करना है तो जस्ट आप इसे इनेबल कर सकते हैं। एंड स्टेटस बार में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। यहाँ पे नीचे देखिए आपको कहीं ना कहीं डार्क थीम मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए डार्क थीम है। जैसे आप इसे टैप करके इसे होल्ड करते हुए ऊपर ला सकते हैं, एंड स्टेटस बार में ये अब शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से डार्क थीम शो करेगा। एंड अगर आप देखोगे तो होम स्क्रीन के आइकॉन्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, एंड सेटिंग्स का आइकॉन बहुत ही अच्छे। तो ये डार्क थीम इस फोन में बहुत ही अच्छा दिखता है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। एंड उसी के बाद में फोर्थ फीचर आता है पॉकेट मोड। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, टच डिसेबल, स्मार्ट बेल एंड पावर सेविंग, जिसे आप यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पॉकेट मोड एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, इसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, स्मार्ट कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। फिर आपको लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा पॉकेट मोड का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसे यूज़ करने के लिए फर्स्ट आपको इसे ऊपर से इनेबल करना होगा। नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें टच डिसेबल है, स्मार्ट बेल है एंड पावर सेविंग है। टच डिसेबल में जब आपका फोन पॉकेट में होता है तो मिसयूज होता है। अगर आपको इसे रोकना है तो आप इसे इनेबल कर लीजिए। एंड नीचे स्मार्ट बेल का ऑप्शन है, रिंगटोन ऑटोमेटिकली मैक्सिमम एंड वाइब्रेट। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसे इनेबल कर दोगे, जब आपका फोन पॉकेट में होगा तो जो रिंगटोन की वॉल्यूम है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी एंड फोन वाइब्रेट भी करेगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है पावर सेविंग का, जहाँ पे वाईफाई सर्च ऑटोमेटिकली वो ऑफ कर देगा, पावर को सेव
करने के लिए। तीनों ऑप्शन भी यूजफुल है, आप चाहे तो इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट वन फिफ्थ फीचर आता है सिस्टम नेविगेशन, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, थ्री बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन। नेविगेशन बटन ऑप्शन आपको इस फोन में कितने मिलते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्लिक करना है सेटिंग में। जैसे आप सेटिंग में क्लिक करोगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। फिर आपको सेकेंड वाला ऑप्शन मिलेगा गेस्चर का, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, इस पर आप टैप कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट है थ्री बटन नेविगेशन जो आप नीचे देख सकते हैं, एंड फर्स्ट वाला है गेस्चर नेविगेशन। अगर आपको पता नहीं है इसे कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको बता दूं, जस्ट आप ऐसे लेफ्ट या फिर राइट साइड से स्लाइड करके बैक कर सकते हैं, एंड बॉटम से इसे स्वाइप अप करके होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे राइट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे बैक सेंसिटिविटी है, जिसे आप लेफ्ट एज या फिर राइट एज की सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे मैं स्वाइप अप करूँगा तो होम स्क्रीन पे, एंड स्वाइप अप करके होल्ड करूँगा तो जो रीसेंट ऐप्स है वो दिखाई देगी। दो ऑप्शन है नेविगेशन में, जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको Realme C30 के टॉप 5 फीचर्स बताए, बहुत ही अच्छे फीचर्स है। एंड अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो ये सारे फीचर्स को ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।